नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यह वक्त हुआ है महरो राजस्थान का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करेंगे। कोटा से एक बड़ी खबर, जहां एमबीएस अस्पताल में आग लग गई है। इमरजेंसी वार्ड में ये आग लगी है, कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट के चलते पैनल में आग लगी। आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई और जो गंभीर मरीज हैं उन्हें इमरजेंसी वार्ड में फिलहाल शिफ्ट किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, कैसे इस आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं यहां पर लोग। ऑक्सीजन प्लांट के पास बिजली के पैनल में, इलेक्ट्रिसिटी पैनल में आग लगी थी पिछले एक हफ्ते में। एमबीएस अस्पताल में दूसरी बार आग लगने की घटना सामने आई है। तो कोटा से इस वक्त की एक बड़ी खबर, एमबीएस अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में आग लगी है और आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और इसके चलते पैनल में आग लग गई। जो इलेक्ट्रिसिटी पैनल है, जो बिजली का पैनल होता है, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद ये आग लग गई। आग फैलती चली गई, आग लगने से वहां अफरा तफरी जाहिर तौर पर मच गई। गंभीर हालत में जो मरीज, उनको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। ऑक्सीजन प्लांट के पास बिजली पैनल में ये आग लगी थी और पिछले एक हफ्ते में एमबीएस अस्पताल में दूसरी बार आग लगी है। ये ओम प्रकाश कोटा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, क्या आग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है और दूसरी बात, कोई हताहत तो नहीं हुआ इससे? देखिए, ये देर रात की घटना है और मरीज और उनके परिजन, यूं कहा जा सकता कि अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि दो दिन पहले भी इस तरह से उस समय हालांकि बड़ी आग लगी थी, लेकिन एक बार फिर पैनल में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया, हड़कंप सा मच गया। हालांकि स्टाफ और जो स्थानीय मरीज और उनके परिजन है, समय रहते उन्होंने आग बुझा लिया। और लेकिन कई बड़े सवाल अब अस्पताल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। बिजली रात को कई बार गुल हो गई थी, आग लगने की घटनाएं आ रही है, गंदगी का माहौल अलग है, मरीज और परिजन बड़े परेशान है और लगातार जो नए अधीक्षक है उनको शिकायत भी दे रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया, लेकिन आग लगने के बाद कई घंटों तक बिजली गुल रही। हालांकि जनरेटर चलाकर जो व्यवस्था है वो बनाई गई, लेकिन संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में जब एक सप्ताह में आग लगने की जब दूसरी बार घटना हो जाती है, तो कई बड़े सवाल उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े होते हैं। फिलहाल अस्पताल के नए अधीक्षक इस मामले की जांच करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अस्पताल की व्यवस्था बारिश के दौरान पूरी तरह से चरमरा जाती है और आग लगने के बाद फिलहाल किसी को कोई हानि नहीं हुई, लेकिन पैनल पूरी तरह से जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया और उसके बाद जो है कोई जो कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जो है व्यवस्था पूरी तरह से संभलाई गई और सुबह से अब जो है बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। मरीज और परिजनों को तो राहत जरूर मिली। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस खबर पर अपडेट देने के लिए, धन्यवाद। और अब कोटा के बाद बीकानेर से भी बड़ी खबर, जहां खाजूवाला गैंगरेप और फिर मर्डर केस में अपडेट आ रही है। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक 6 आरोपियों की इस केस में गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी जसविंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जसविंदर ने मुख्य आरोपी दिनेश बिश्नोई को कमरा दिलाया था। मुख्य आरोपी दिनेश बिश्नोई अभी भी हालांकि पुलिस की गिरफ्त से दूर है, पकड़ में नहीं आ पाया है। मुख्य आरोपी की तलाश में 7 पुलिस की टीमें और आईजी की एसआईटी टीम तलाश रही है दिनेश बिश्नोई को। और दिनेश बिश्नोई पर पुलिस ने पहले 25,000 का इनाम रखा था, फिर उसको बढ़ाकर 40,000 का कर दिया गया, लेकिन अभी तक वो फरार ही है, पकड़ में नहीं आया है। एसपी तेजस्विनी गौतम पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। 20 जून को 20 साल की युवती के साथ ये घिनौनी वारदात हुई थी। तो 6 गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में, 20 तारीख का यह मामला, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी है दिनेश बिश्नोई, उस पर इनाम भी घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। विक्रम जागरवाल बीकानेर संवाददाता और अपडेट के साथ, कुछ अभी तक सुराग नहीं लग पाया क्या जो मुख्य आरोपी है? ठीक है, 6 आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन जो अभी मुख्य आरोपी है वो दूर है पुलिस की पकड़ से। आवाज जी मिल रही है विक्रम आपको, तो जवाब दीजिए विक्रम, आप सुन पा रहे हैं हमको? एक बार कोशिश करते हैं विक्रम को दोबारा। जी, ठीक विक्रम, आप जवाब दीजिए। जानना चाह रहे हैं कि अभी तक जो दिनेश बिश्नोई मुख्य आरोपी है, उसका कुछ सुराग नहीं लग पाया क्या पुलिस को? जी देखिए, पुलिस की टीमें जो है वो अलग अलग दिशाओं में गई हुई है और पूरी पुलिस जो है वो अब मुख्य आरोपी के पीछे जुट चुकी है और 7 टीमें इसके लिए बनाई गई है। उसके अलावा जो आईजी ने एक एसआईटी का गठन किया है, एसआईटी की टीम भी मुख्य आरोपी
दिनेश की गिरफ्तारी की के प्रयास कर रही है, और उसके साथ ही जो आरोपी है उस पर इनाम की राशि भी बढ़ाई गई है और 40,000 रुपए का इस पर इनाम रखा गया है। लेकिन अभी तक जो है वो मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन इस बीच ही जो है एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसने जो मुख्य आरोपी है उसे ये कमरा उपलब्ध करवाया था, जसविंदर जिसका नाम बताया जा रहा है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस की टीमें लगातार जो है वो मुख्य आरोपी के पीछे लगी हुई है। लेकिन जो सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि मुख्य आरोपी जो घटना के बाद से ही बीकानेर इलाके से बाहर चला गया था, और उसे ट्रेस करने के लिए पुलिस जो है वो पूरे प्रयास कर रही है। जी, एक अपडेट और लेंगे आपसे विक्रम, ये बताएं कि कुल कितने आरोपियों को नामजद या गैर नामजद के तौर पर रजिस्टर किया गया था केस में, इंक्लूडिंग मतलब मुख्य आरोपी को मिलाकर? देखिए, इसमें जो परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया था उसमें नामजद 3 लोग थे, जिसमें मुख्य आरोपी दिनेश बिश्नोई और उसके साथ साथ जो पुलिस के 2 कांस्टेबल थे मनोज कुमार और एक भागीरथ, इन तीनों को पुलिस परिजनों ने नामजद कराया था। और उसके साथ साथ जो अन्य लोगों को भी इस मामले में दोषी बनाया गया था। तो जो 3 नामजद हैं उनमें से एक पुलिसकर्मी मनोज कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उसे पहले दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया और उसके बाद मनोज कुमार को बर्खास्त सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। और तो मुख्य आरोपी है वो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। और उसके साथ साथ जो अन्य जो लोग थे जिन्हें पुलिस ने पहले ही डिटेन कर लिया था, जिसमें एक दिनेश बिश्नोई के पिताजी हैं और उसके साथ साथ जो एक जो गाड़ी का जो चालक है उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और जो सहयोगी रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में उन लोगों को मिलाकर अभी तक जो है वो टोटल जो मनोज पुलिस कांस्टेबल है उसके सहित जो है वो 6 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 6 आरोपी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जागरवाल, आपने विस्तार से इस खबर पर अपडेट दी। एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, अब गिरफ्तारी का आंकड़ा 6 पहुंच गया है, लेकिन मुख्य आरोपी दिनेश बिश्नोई अभी तक इस मामले में फरार चल रहा है। 40,000 का उस पर इनाम रखा गया है, पुलिस शिद्दत से उसको तलाश रही है। एक बड़ी खबर सिरोही से लेते हैं, जहां पर अमीरगढ़ बॉर्डर से 79 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान यह नकदी जब्त की है। बनासकांठा में अमीरगढ़ बॉर्डर से 79 लाख रुपए जब्त हुए हैं। राजस्थान से गुजरात में एंटर करते वक्त अहमदाबाद पासिंग गाड़ी कार से सिरोही से अहमदाबाद इस कैश को भेजा जा रहा था। पुलिस ने ड्राइवर साहिल प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर सिरोही से, ये वो गाड़ी जिसमें 79 लाख कैश ले जाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान ये नकदी जब्त की गई है। बनासकांठा में अमीरगढ़ बॉर्डर से 79 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। राजस्थान से गुजरात के अंदर प्रवेश कर रही अहमदाबाद पासिंग गाड़ी कार से सिरोही से ये इस कैश को भेजा जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर साहिल को गिरफ्तार कर लिया। तो आरोपी और आरोपी से बरामद हुआ यह कैश। प्रतीक सोलंकी सिरोही संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, क्या कुछ उगल रहा है, ये आरोपी ड्राइवर किसका कैश था, कहां ले जा रहा था? जी रविंद्र, बिल्कुल, देखा जाए तो ये बीती रात को कार्रवाई हुई है, जो सिरोही से 79 लाख रुपए कैश लेकर जो है राजस्थान की सरहद से जो अहमदाबाद गुजरात को जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आरोपी सिरोही का के पास में अमीरगढ़ का बताया जा रहा है एक प्रजापति है, और वहीं इसकी पूछताछ में जो पैसा जो आया है जो ये हवाला कारोबारी था। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह कि मावल पुलिस की बैरिकेडिंग के बाद भी राजस्थान पुलिस ने किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं की, लेकिन जैसे ही अमीरगढ़ में पहुंचा तो गुजरात की पहली यानी कि जांच में संदिग्ध मिला और उसके बाद में इसको पकड़ने के बाद में ये सारा जो पैसा है जो है ये उगल दिया। और वही लगातार जो है यहाँ पर तस्करी जो है लगातार की लाइन जो शुरू है। लेकिन राजस्थान पुलिस जो है कल एक तरफ तो वाहवाही लूट रही थी कि 111 की कार्रवाई के बाद में जो है वाहवाही और पीठ थपथपाई थी, लेकिन यह सबसे बड़ी जो है ये जो है तस्करी की बात सामने आई है, जिससे कहीं जो है सूर्य की पुलिस की पर जो कार्यशैली पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। रविंद्र जी, तो प्रतीक, पकड़ा तो ये राजस्थान की सीमा में ही गया है ना? नहीं, ये राजस्थान और गुजरात की चंद 20 मीटर की डिस्टेंस पर जो राजस्थान ये गुजरात पुलिस ने पकड़ा है, इसका मतलब गुजरात पुलिस ने पकड़ा है। लेकिन राजस्थान पुलिस ने चेकिंग के बाद भी इसको कुछ नहीं मिला और उसके बाद भी कई प्रकार जो ये तस्करी की लाइन जो है ये बातें लगातार सामने आ रही है। और पिछले 7 दिन में जो है शराब तस्कर भी जो है अमीरगढ़ पुलिस और पाटावाड़ा पुलिस ने जो है कार्रवाई करके अंजाम दिया है, जबकि यहाँ पर जो पुलिस
सिरोही पुलिस पकड़ी होने के दावे करती है, वो सारे दावे जो है विफल होते हुए रविंदर जो है निकल के सामने आते हैं। प्रतीक बहुत बहुत धन्यवाद, अपडेट और लेंगे आपसे आगे इस खबर पर, जैसे ही पुलिस से मार्फत आप तक जानकारी पहुंचे कि ये किसका पैसा था, कहां ले जा रहा था। और जाहिर तौर पर हवाला कारोबारियों का ये पैसा माना जा रहा है अनअकाउंटेड मनी, जो कैश की इधर से उधर हेरफेर की जाती है, उसी कड़ी का ये एक हिस्सा ड्राइवर जो कि गिरफ्तार हुआ है। अब क्या कुछ राज ये खुलता है, लेकिन बड़ी बात जैसे हमारे संवाददाता ने भी बताई कि राजस्थान की सीमा से जब गुजरात में दाखिल हो रहा था, तब राजस्थान पुलिस ने इसको चेक नाके से जाने दिया या इसकी जो भी तलाशी ली वो पकड़ नहीं पाए, लेकिन राजस्थान में एंटर होते ही ये पूरी रकम के साथ पकड़ा गया है। और फिलहाल अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जैसलमेर की एक बड़ी खबर आपको बताएं, जहां सोनू माइंस इलाके में ट्रक जलाने का एक मामला सामने आया है। जी हां, एसपी ने रात भर रामगढ़ थाने में कैंप किया इस दौरान और आधा दर्जन बदमाशों को डिटेन किया। अलग अलग टीमों ने यह कार्रवाई की है, बदमाशों से कड़ाई से पूछताछ चल रही है। बदमाशों ने एक ट्रक को फूंका था, दूसरे ट्रक में तोड़फोड़ की थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप उस फूंके हुए ट्रक की जिसमें आग लगा दी गई थी इन बदमाशों की तरफ से, वो देख रहे हैं। और लगातार एसपी इस पूरे मामले को अपनी निगरानी में रखते हुए इसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि कारण जानने की कोशिश ये की जा रही है कि आखिर एक ट्रक को पूरी तरह से फूंकने का, जलाने का कारण क्या, दूसरे ट्रक में आग लगाने की वजह क्या है। तो ये जैसलमेर की खबर है, जहां पर सोनू माइंस इलाके में एक ट्रक को जलाने का जो मामला सामने आया, और इसको लेकर एसपी ने रात भर रामगढ़ थाने में कैंप किया और आधा दर्जन बदमाशों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनकी संलिप्तता को जांचने की कोशिश की गई। अलग अलग टीमों ने फिलहाल और कार्रवाई की है और बदमाशों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। इन ट्रक को जलाने में उनका क्या रोल है, क्या भूमिका है, या वो इस खबर और घटना के बारे में क्या जानते हैं, सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह, एक ट्रक में आग लगा दी और दूसरे ट्रक में तोड़फोड़ की गई है, और कारण क्या है, यही अभी पुलिस के लिए जांच का केंद्र बिंदु बना हुआ है। और दूसरी तरफ किन लोगों ने इसको अंजाम दिया, इन लोगों को डिटेन करके आधा दर्जन जो बदमाश डिटेन किए गए हैं, पूछताछ की जा रही है। सावलदान से बात करेंगे, सावलदान एसपी खुद हाथ में लिए हुए इस पूरे मामले को, पता चला ये इन्हीं बदमाशों ने आग लगाई और तोड़फोड़ की ट्रक में, कारण और मंशा क्या है इसके पीछे। देखिए रविंदर, जो जैसलमेर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में कल सोनू माइंस में के पास में एक ट्रक को जला दिया और एक ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की। जैसलमेर के एसपी विकास आगवान खुद ने देर रात तक रात भर लगातार रामगढ़ थाने में कैंप किया, और जो जैसलमेर जिले के कई थाना स्पेशलिस्ट एसएचओ है, उन्होंने अलग अलग टीमों ने आधा दर्जन से अधिक बदमाशों को डिटेन किया, लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। सबसे पहली जो जानकारी आ रही है वो है कि आपसी विवाद, ठेकेदार प्रथा को लेकर ये विवाद चल रहा है, उसको लेकर इस वारदात को अंजाम दिया। रविंदर, लगातार पुलिस मामले को लगातार सघन पूछताछ कर रही है। पुलिस का बड़ा टास्क है कि जैसलमेर जिले में कोई प्रकार की बदमाशी नहीं, उसको रोकथाम को लेकर लगातार एसपी खुद सख्त नजर आ रहे हैं। अच्छा, जब ये आग लगाई होगी ट्रक में या दूसरे में तोड़फोड़ की होगी, तो ड्राइवर क्लीनर कोई तो रहा होगा वहां पर। देखिए, जब ट्रक में आग लगाई तो ट्रक चालक है या परिचालक है, वो अपनी जान बचाकर कूद के भाग जाते, इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लगातार वो पुलिस के बयान दर्ज कराने के बाद ही पुष्टि हो कि चालक कौन था, परिचालक कौन था, कौन, उसकी लगातार पुलिस खुद शिनाख्त कर रही है, सीसीटीवी कैमरों की मदद ले रही है। एसपी खुद रात भर वहां थाने में बैठकर कैंप करके इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का प्रयास में जुट गए, टीम में लगातार दबी से दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सावलदान आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए, अपडेट आगे आपसे लेंगे इस खबर पर, शुक्रिया। और कोटा से बड़ी खबर, जहां पर जेके लोन अस्पताल की व्यवस्थाएं बदहाल किस तरह से हैं, ये एक बार फिर सामने आया है। अस्पताल की छत से पानी टपक रहा है, छत से पानी टपकने का वीडियो सामने आया है। अस्पताल की नई बिल्डिंग की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। तो ये जो पानी है ये अस्पताल की छत टपकने से नीचे गिर रहा है और नए अस्पताल की बिल्डिंग, ये अस्पताल की नई बिल्डिंग से गिर रहा है, और मरीज के तीमारदारों ने यह वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर यह लगातार वायरल हो रहा है। हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, बताएं ये नई बिल्डिंग का हाल है, कुछ कहना है जो अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है।
देखिए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष शर्मा से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि ये कोई नाली चोक हो गई थी, कोई सिस्टम में गड़बड़ी हो गई थी, इसकी वजह से हो रही है। लेकिन संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेकेलोन अस्पताल की नई बिल्डिंग जिसकी 30 करोड़ की लागत से तैयार कुछ महीनों पहले ही हुई है, वहां जब इस तरह की व्यवस्था हो जाती है, वहां बारिश के दौरान झरने जैसी स्थिति हो जाती है, जहां पहाड़ों जैसे जैसे झरने गिरते हैं वैसे इस अस्पताल में जो है झरने का माहौल नजर आ जाता, तो निश्चित रूप से कई बड़े सवाल अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर और बिल्डिंग के निर्माण के दौरान लगते हैं। फिलहाल अस्पताल अधीक्षक इस मामले को दिखाने की बात कर रहे हैं, जांच करवाने की बात कर रहे हैं और जल्द व्यवस्थाओं में सुधार करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये संभाग का सबसे बड़ा मातृ शिशु जेकेलोन अस्पताल है, जहाँ पहले भी कई बार बच्चों की मौत को लेकर पूरे देश में चालू रहा है, अभी भी चल रहा है या इस पर अब रोक लगा दी गई है? देखिए अब अस्पताल में इस तरह का कोई झरने जैसा माहौल इसलिए नहीं क्योंकि बारिश भी अब थम चुकी है, लेकिन पानी खत्म देर रात का जो वीडियो बताया जा रहा है। फिलहाल अस्पताल अधीक्षक जांच करने की बात करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस खबर पर आपको हमें जानकारी देने के लिए शुक्रिया। सीकर के फतेहपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। कस्बा चौकी इंचार्ज घूस लेते गिरफ्तार किए गए हैं, शब्बीर खान साहब का नाम है, 5,000 रुपए की घूस ले रहे थे, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मारपीट का कोई मुकदमा था जिसमें मदद करने के एवज में 15,000 रुपए मांगे गए थे इनकी तरफ से। सत्यापन के दौरान ही 5,000 रुपए बतौर पेशगी ले लिए गए और ये रंगे हाथों पकड़े गए। तो एसीबी की टीम लगातार सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए जुटी हुई है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हों, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के या फिर पुलिस हो। और इसी कड़ी में सीकर के फतेहपुर से खबर मिल रही है, जहां पर कस्बा चौकी इंचार्ज को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। इंचार्ज साहब का नाम यानी कस्बा चौकी के जो इंचार्ज हैं शब्बीर खान बताया जा रहा है, 5,000 रुपए की घूस ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे। और जो चीज सामने आई है, मारपीट का कोई मुकदमा था, इसके एवज में मदद करने के लिए इन्होंने 15,000 रुपए की डिमांड की और सत्यापन के दौरान ही इन्होंने 5,000 रुपए ले लिए। लेकिन ये इनके लिए भारी इस मायने में रहा कि 5,000 रुपए रिश्वत लिए तो सही, लेकिन रंगे हाथों पकड़े गए। अब इन पर कार्रवाई हो रही है। राजधानी जयपुर से खबर, जहां जल महल में एक युवक का शव मिलने का मामला सामने आ रहा है। अकील के रूप में इस मृतक की शिनाख्त हुई है। 3 दिन से अकील नाम का यह शख्स लापता बताया जा रहा था। रविवार को जल महल झील में अकील का शव मिला है। ब्रह्मपुरी पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक पड़ताल में यह सामने आया है कि कई दिनों से अवसाद में था, यानी टेंशन में था अकील, और लाइट फिटिंग का यह काम करता था और 3 दिन से लापता था। टेंशन में बताया जा रहा था, अवसाद में बताया जा रहा था। अब ये जल महल में इसका शव कैसे पहुंचा, आत्महत्या है, हत्या है, कोई हादसा हुआ है, अभी पुलिस इस मामले की जांच आगे कर रही है। तो जयपुर की यह खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर जल महल में एक युवक का शव मिला है। विष्णु शर्मा से और बात करेंगे। विष्णु, पुलिस कुछ पता कर पा रही है, परिवार वालों को इत्तला तो कर दिया होगा कि आखिर ये कैसे हुआ है, हादसा है, आत्महत्या है या फिर दुर्घटना हुआ है या किसी ने हत्या की है? देखिए, जो कल जल महल में शव मिला था उसकी पहचान 20 वर्षीय अकील के रूप में हुई है, जो कि मोहल्ला इच्छावतान बांस बदनपुरा का रहने वाला था। और अब तक की पड़ताल में सामने आया कि अकील 3 दिन से लापता था। आखिरी बार वो जब घर से निकला था तब उसी घर में कहां सुनी भी हुई थी। और ये भी सामने आया कि अकील पिछले कई दिनों से अवसाद में था। अवसाद की वजह क्या थी ये अभी तक घर वालों ने जानकारी देने से इनकार किया है, लेकिन 3 दिन पहले जब वो घर से आखिरी बार निकला था तब उसकी परिजनों से कहां सुनी हुई थी। तो ऐसे में अब तक इतनी पड़ताल हो पाई है ब्रह्मपुरी थाना पुलिस की। आगे अब ये जो मामला सुसाइड से जुड़ा हुआ है या फिर कोई मौत की वजह कुछ और है तो उसकी पड़ताल अब पुलिस कर रही है। जी आपका विष्णु इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल तो पुलिस, जैसा विष्णु ने बताया, इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और वहीं जयपुर से ही खबर, जहां पर कारोबारी की खुदकुशी करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 21 जून को कारोबारी ने जहर खाकर खुदकुशी की थी और मौत से पहले मोबाइल फोन में एक वीडियो बनाया था अपना। इस वीडियो में अब्दुल लतीफ, अब्दुल अंसार और एक अन्य पर उन्होंने आरोप लगाया था और ये इनके करीबी ही बताए जा रहे थे।
परिचित ही बताए जा रहे थे, कारोबार में माल नहीं बिकने देने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। 22 जून को मृतक के भाई ने संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था और अब फिलहाल कारोबारी के खुदकुशी करने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये वो कारोबारी जिन्होंने, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ कारोबार से, हर चीज से, बिजनेस नहीं कर सकता। लतीफ और अंसार ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मेरे पास आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मैं जानता हूँ ये गुनाह है, पर क्या करूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरा पूरा करियर, मेरी सारी मेहनत, सब कुछ इन लोगों ने खराब कर दी। तो ये कारोबारी का 21 जून जिस दिन उन्होंने जहर खाकर खुदकुशी की थी, ये इन्होंने मोबाइल पर अपना वीडियो बनाया था। उस वीडियो को बनाने के बाद अपने भाई को भेज दिया था, भाई जब तक कुछ कर पाते तब तक ये आत्महत्या कर ली थी। और जिनका नाम लिया था, इसी इन्हीं नामों के आधार पर पुलिस पे कंप्लेंट इनके भाई की तरफ से दी गई थी। फिलहाल दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये खबर डूंगरपुर से है जहां पर जुआ खेलते वक्त 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। रामसोर फला में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मौके से 26,000 रुपए जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान कार और 11 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। गुजरात और डूंगरपुर के निवासी आरोपी बताए जा रहे हैं। तो 10 लोग जुआ खेल रहे थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। झुंझुनू के चिड़ावा से बड़ी खबर, जहां पर शिवपुरा में नाबालिग के अपहरण का एक मामला सामने आया है। घटना के विरोध में आज चिड़ावा कस्बा को बंद रखा गया है। संघर्ष समिति ने आज चिड़ावा बंद का आह्वान किया था। व्यापार मंडल और हार्डवेयर एसोसिएशन का इस संबंध में समर्थन मिला है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। चिड़ावा थाने के सामने ग्रामीणों का धरना जारी है और ये आप देख सकते हैं बाजार की शटर्स डाउन है, यानी एक अच्छा खासा बाजार बंद का असर देखने को मिल रहा है। व्यापार मंडल और हार्डवेयर एसोसिएशन का पूरा समर्थन मिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। शिवपुरा में नाबालिग के अपहरण का ये मामला है जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस घटना के विरोध में लगातार ये विरोध किया जा रहा है। और खबर पर जानकारी के लिए कृष्ण सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। कृष्ण, ये बताएं कि विरोध साफ तौर पर व्यापारियों का देखने को मिल रहा है घटना के बाद, लेकिन पुलिस की तरफ से कार्रवाई अब तक क्या की गई है और मांग क्या की जा रही है इस व्यापारी वर्ग से? जी, मैं आपको बता दूं कि 22 जून की रात को जो छिड़ावा थाना इलाके के शोपरा गांव है, वहां पर कैंपर में सवार होकर आए बदमाशों ने एक परिवार पर हमला किया और इसके बाद नाबालिग बालिका है उसका अपहरण कर ले गए। और आज जो है घटना का चौथा रोज है और पुलिस के हाथ हैं वो अभी खाली हैं। कल संघर्ष समिति ने बंद का आह्वान किया था और इस बंद को चिड़ावा व्यापार मंडल और चिड़ावा हार्डवेयर एसोसिएशन ने अपना समर्थन दिया है। और आज चिड़ावा कस्बा है वो पूर्णतया बंद है, केवल अति आवश्यक सेवाएं हैं उनकी दुकानें ही खुली हुई हैं। वहीं चिड़ावा थाने के सामने है वो ग्रामीणों का खराब मौसम के बावजूद धरना जारी है और ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि जो बदमाश है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, साथ ही जो नाबालिग बालिका है उसकी सकुशल बरामदगी हो। और ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और इस घटना को लेकर जो सांसद हनुमान बेनीवाल है उन्होंने भी ट्वीट किया है कि जल्द से जल्द जो बालिका है उसकी बरामदगी की जाए। अगर पुलिस इस मामले में जल्द बरामदगी नहीं करती है तो उन्होंने ट्वीट में कहा है कि वो भी इस घटना को लेकर चिड़ावा में आएंगे। और जो चिड़ावा में है वो कल जो निजी शिक्षण संस्थान है वो इसके विरोध में रैली निकालेंगे, साथ ही राज्यपाल के नाम घटना के विरोध में ज्ञापन सौंपेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण सिंह शेखावत इस खबर पर अपडेट देने के लिए आपका।